कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 फरवरी को खूंटी दौरे पर पहुंच रही है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी देते हुए कांग्रेस कमेटी के खूंटी जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा ने बताया कि 5 फरवरी को राहुल गांधी खूंटी पहुंचेंगे और वो खूंटी के कचहरी मैदान में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 6 तारीख की सुबह को ये तय किया जाएगा ये न्याय यात्रा किस रूट से होकर और कहाँ के लिए जाएगी। फिलहाल रवि मिश्रा ने जो कुछ बताया है वो मैं आपको सुनवा रहा हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो झारखंड में प्रवेश किया है अभी राहुल जी का, उसके बाद हम लोग को जहाँ तक है 5 तारीख तक का शेड्यूल प्राप्त है उनका, जो रात्रि विश्राम कचहरी मैदान में करेंगे। उनका स्वागत के लिए पूरा जिला कमेटी हम लोग जोर शोर से तैयारियाँ कर रहे हैं और 5 तारीख के रात्रि विश्राम जो है कचहरी मैदान में उनका होगा। 6 तारीख का शेड्यूल आने के बाद हम आगे का बता सकते हैं, जो कि अभी प्राप्त नहीं है, हमको पूर्व से निर्धारित नहीं है, पूर्व से निर्धारित नहीं है अभी तक। 5 तारीख तक का यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है, जो कि उनको उनका यात्रा खूंटी कचहरी मैदान में रात्रि विश्राम के लिए पहुंच रहे हैं। 7 बजे करीब खूंटी प्रवेश करेंगे, वहां से उनका स्वागत करते हुए हम लोग कितने लोगों के आपके जो है कार्यकर्ता या फिर ग्रामीण लोग कितने लोगों के पहुँचने की उम्मीद है? संख्या का गिनती तो नहीं बता पाती है, उम्मीद है काफी लोग रहेंगे उनका स्वागत के लिए। जिस तरह से तैयारियां चल रहा है, जिस तरह से लोगों में जोश है, जिस तरह उत्साह है, बहुत सारे लोग पहुंचने को उम्मीद है। अभी आपने सुना कि जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा ने राहुल गांधी के खूंटी आगमन को लेकर क्या कुछ बताया, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।